स्कॉट्सडेल दुर्घटना, यात्रियों ने लास वेगास मिनट के लिए उड़ान पर हंसते हुए और नृत्य किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए फुटेज स्कॉट्सडेल हवाई अड्डा एरिजोना में पीपल पीएर एंड 24 कॉमचेस में रहने वाले दुखद पीड़ितों को दिखाते हैं। लास वेगास के लिए उड़ान भरने वाले ट्रैगिक यात्रियों ने स्पष्ट रूप से अपने हेलिंग और नाचने से फिल्माया। इससे पहले कि उनके हवाई जहाज में लपटों में विस्फोट हो गया, सभी 6 मारे गए। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए फुटेज स्कॉट्सडेल एयरपोर्ट एरिजोना में पीपल पीएर एंड 24 कॉमचेस में रहने वाले पीड़ितों को दिखाते हैं और पिछली सीटों में उत्साह से बैठे दिखते हैं। लेकिन सोमवार की रात 9 बजे स्थानीय समय के बाद गोल्फ कोर्स में उतरने से पहले छोटे विमानों में आग लग गई। पुलिस अभी तक पीड़ितों की पहचान जारी नहीं कर पाई है, लेकिन दोस्तों ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित की है और कहा है कि वे समूह लास वेगास के रास्ते में हैं। आनंद पटेल, मारिया कोगन, हेलेना एल और जेम्स पेद्रोजा के रूप में मारे जाने वाले 4 लोगों का नाम फेसबुक नाम है जो पायलट माना जाता है। जेरेमी गेल ने समूह के चित्र और वीडियो को साझा किया जो जाहिर तौर पर एम्स कोगन, एक फैशन मॉडल दिखाते हैं जो खुद को विमान के यात्री सीटों पर बैठते हैं। मार्कस फाल्स ने एक और दोस्त फेसबुक पर श्री गेल के पोस्ट को साझा किया जिसमें कहा गया है, वे स्कॉट्सडेल से वेगास में हमारे साथ पार्टी करने के लिए अपने रास्ते पर थे और उनके विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। दूसरों ने अपने हौदिक शब्दों को साझा किया जिनमें से कई ने कहा कि वे पूरी तरह से टूट गए थे। नेटली डाउर ने लिखा, बस खबर मिली और मेरा दिल टूट गया है, मैं कुल सदमे में हूँ। विश्वास नहीं कर सकता कि हम हवाई जहाज पर मिल रहे थे जैसे कि वह पाठ कर रहे थे, यह विश्वास नहीं कर सकता। क्रिस्टिना शॉप ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इसे पढ़ रहा हूँ, मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका है। आकाश पटेल, जो पटेल के भाई समझा जाता है, ट्विटर पर लिखा था, मैंने कभी इतना खाली महसूस नहीं किया है, मैं अकेला भाई हूँ, मेरी नौटंकी और गतिशील 26 वर्षीय जुड़वा कल रात स्कॉट्सडेल एरिजोना में एक विमान दुर्घटना में, वह प्रकाश का एक बिंदु था जो दुनिया भर में हजारों लोगों को खुशी लाता था। RIP आनंद हम्पी पटेल, मैं आपको प्यार करता हूँ। स्कॉट्सडेल पुलिस डिपार्टमेंट के प्रवक्ता केविन वॉट्स ने कहा कि विमान को स्कॉट्सडेल हवाई अड्डा से बस ले जाया गया था, लेकिन इसके योजनाबद्ध गंतव्य पर तुरंत कोई सूचना नहीं मिली थी। पुलिस मैरिकोपा काउंटी मेडिकल परीक्षक कार्यालय द्वारा निर्धारित किए जाने पर पुलिस पहचान जारी करेगी, लेकिन यह प्रक्रिया तब पूरी नहीं होगी जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जांचकर्ता मंगलवार की सुबह साइट पर थे। एक गंदगी क्षेत्र पर एक पेड़ के बगल में जला हुआ मलबे की जांच करते हुए पास के मैदान पर खड़े 7 वाहन और पास के अन्य लोग